पूजा रहेगी, पता नहीं कितना रह गया। दीदी खड़े हो जाओ, अभी है पूजा भी। अच्छा तेरे सेब रह गए थे है ना? मोरा बुआ ने अच्छा 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 मम्मी आई है? अच्छा तू खाया इधर रोटी है ना? जिदा कट कट करके बनानी है, फिर बाद में एडिट करनी नंबर वाइज। यानी कि अब हमने क्या किया क्या किया क्या किया, फिर एक तरह की फिल्म बन जाती पूरी। ये सरकारी बस है, नहीं तो दो कट्ठियां ही आ गईयां। सवेरा जी चली गए तो पकड़ रख दीदी हुण करे जलेबियां खांदी चली दीदी पिछे। मम्मी कद बड़ी खा ली, कह दी थी मैं जलेबियां नहीं खानी। कैसा कैसे 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 लोग है दुनिया में, है कपड़े बदल लेने दीदी। सबसे ज्यादा पूजा ने पकड़े है यही तो बोला दे है। मैं लगता 100 साली दुकान बोले 100 साली कुर्सी पे बैठ गई मैं। आहो मैं दिखी जाना नहीं निशान हो, चली जाना, चल जाना, खाली जाना, चली जाना। तो उधर नहीं इधर पर देखना भी नहीं था, आखिर इधर बंदी उसका पीला है ना। सब खाना कोई हो चल लगे हो लगना जाए क्या हो। मैं क्या आंदे है ना ख्याल आ जाए, हूं जिन्हें नहीं मैंने बोलना उन्हें तो दिक्कत आना ही है। कोने पर आंदा मेरा ना इतना है। सही गल चलो नहीं सब कुछ बढ़िया था। मैं स्टिक ले आना भूल गई ना, तो स्टिक ना होर बढ़िया बननी थी। स्टिक हाँ वो स्टिक नहीं होंदी 380 हरियाणा स्टिक, और मैं मंगाई 150 रुपए दी। मंकी आ गए सारा कुछ खा गया, ला के ब्रेकां उतरो ए। वैसे आवाज तो है नहीं आ रही, खा के ना निकल लियो हूँ, अजे तो है नहीं लगा था। आ बंधु भाजी कितने? अच्छा ड्यूटी गयो, आना कदों? अच्छा 5-6 महीने बाद है ना? अपनी
हाय हाय फिर ड्यूटी है ना सो गाइस प्रोग्राम पे जाके हम लोग आ गए। हम गए थे 11 बजे, अभी बज रहे हैं शाम के 3। तो हम लोग आ गए प्रोग्राम से, सारे आ गए अपने अपने। अब थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। दीदी चाबी ओ मेरे पास ही है। तो गाइस आप लोगों को मिलते हैं हम थोड़ी देर बाद, ठीक है? अभी बहुत बुरा हाल हो रहा गर्मी से, पहले तो कपड़े चेंज करें और उसके बाद मिलेंगे आपको। आइए आइए, जलेबियाँ लेके आ रही है दीदी। हमें जलेबियाँ भी मिली हैं घर के लिए। ध्यान न चढ़े दीदी। ध्यान बाथरूम का पानी आ गया पक। ना ना तो है जा मैं। केचू आ रहे हो ठीक है ना? चलो बढ़िया, तड़फा दे बड़े न। चलो चाय हमारी बन गई है, शाम के बज गए हैं 5 और ये दोनों शरारती शरारते कर रहे हैं मेरे पीछे से। हेलो गाइस, हेलो गाइस, राधे राधे, हाथ जोड़ के बोलो आराम। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे। तुम्हारी फोटो भी लूंगी मैं। अभी हटो, अभी गाइस चाय लेके चलिए। हेलो गाइस, सत श्री अकाल जी। सो गाइस हमारे चाय का टाइम हो गया और हम पी रहे हैं चाय। शाम के बज के हैं 5 बज के तो 5:30 हो गए, हमारा हो गया चाय का टाइम। तो हम पी रहे हैं चाय, अभी इनका चाय पीने को छोड़ ये दोनों कुछ नहीं पी रहे हैं। साथ नहीं जा रहे तो हम जा रहे रोड पे घूमने, ठीक है? वो उधर घर मेहमान आए ना। अच्छा अच्छा, ध्यान से जाना, नीचे हम आते हैं फिर आना है। अभी 2 मिनट में घूम के आते हैं, यही रोड पे जा रहे। हाँ गौरव बस बुस भी आ जाए, पता भी ना लगे। आ फिर आके मैं बनाऊंगी तुहाडियां, एक बना। हाँ दीदी सारी बनाओ अच्छे से। हाँ देखो मैं तुहाडी बनाई है, इधर बनाओ दी, खड़ा करके फोन खड़ा। हाँ इधर शॉर्ट पैनी है और पूरा व्यू आना ये मैंने जरा है ना, तुम्हें पता ही वास्ते फेटा। हम हो गए फ्रेश, शाम के बज गए हैं 6। तो हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा रोड पे घूमने। तो वैसे तो काम करके पूरा दिन थक गए थे, काम भी करा था और सफाई भी करी थी आंगन की। तो अब हम थोड़ा थक तो गए हैं, लेकिन थोड़ा सा रोड पे घूमने जाएंगे और आप लोगों को दिखाते हैं, क्योंकि जल्दबाजी में कुछ भी दिखा नहीं पाए ना। तो अब दिखाऊंगा जो दीदी आ दे न्याणे आ दे। अच्छा जान दे फिर दीदी, वो रोड पर दौड़ता ना गौरव, डर भी लगता ना, और सानू पता भी है नहीं गड्डियां दी टाइमिंग दा। तो गाइज हम जा रहे हैं बाहर थोड़ा सा, तो आपको दिखाएंगे कहाँ से हम पानी लेके आते थे गांव में। जब हमारी शादी हुई थी तो हम सर पे घड़ा गागर जो भी मानो आप, तो वो लेके हम, तब यहाँ टूटियाँ नहीं थी पानी के घरों में, तो हम जाते थे वहाँ पर
बहुत जंगल में बहुत नीचे है वो, तो वहाँ पे जाते थे हम लोग, तो वो भी जगह दिखाते हैं लेकिन नीचे नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत घना जंगल है और वहाँ पे शेर चीते भालू और सारे भेड़िए जानवर सब हैं, तो हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। तो गाय ये हमारी जेठानी का घर है, ताई जी का, तो ये हमारे बाबे पे स्पीकर लग गया है शाम के टाइम, और यहाँ पे मंकी भी हैं बहुत सारे। मंकी डरते नहीं है गाइस, ये जंगलों के मंकी हैं, जंगली मंकी हैं, ये डरते नहीं हैं इंसानों से, इंसानों को डराते हैं भाई। तो आपको दिखाते हैं हम, दोपहर तो हम गए थे ना फंक्शन में, तो अच्छे से जल्दी से कुछ नहीं दिखाया था। दीदी को ले आई हूँ मैं धीरे धीरे पीछे, कहीं मंकी ना आ जाए हमारे पीछे। तो गाइस इतना सा रास्ता चल के तो यहाँ पे रोड आ जाता है, हमारे इधर ज़्यादा दूर नहीं है, हमें पहाड़ी इलाके में ज़्यादा नहीं चलना पड़ता, बस यहाँ पे रोड है, यहाँ पे बस भी आती है, गाड़ियाँ भी होती हैं, और ये गाड़ियाँ खड़ियाँ करने के लिए पार्किंग है यहाँ पे, क्योंकि आगे रास्ता बहुत छोटा है तो वहाँ आगे घरों तक गाड़ियाँ नहीं जाती हैं, तो गाड़ियों को यहीं पे खड़ा करना पड़ता है। तो यहाँ पे रोड है, तो हमारे घर बिल्कुल रोड के किनारे हैं, तो हमें ज़्यादा पहाड़ी और पानी इलाके में नहीं जाना पड़ता। तो मेरी बहन है जो बहुत ज़्यादा अंदर जंगल के इलाके में, मतलब हमारे ही गाँव में शादी हुई है उसकी छोटी बहन की, तो उनका जंगल एरिया में घर है, बहुत ज़्यादा कच्चे रास्ते हैं, तो वहाँ पर हम जाएँगे परसों, तो उसका भी रास्ता आपको दिखाएँगे, लेकिन हम बिल्कुल रोड के किनारे हैं हमारे घर। अभी यहाँ बहुत सारे पेड़ हैं, यहाँ दिख नहीं रहा लेकिन सर्दियों में अच्छे से दिखता है। तो अभी सॉरी, आगे का दिखाते हैं आप लोगों को, सामने का व्यू देखिए गाइस। सरा धर्म धर्मशाला यानी कि जहाँ पे शादियाँ होती हैं, शादियाँ होने के लिए बारात रुकती है, दूर से आई बारात, पहले तीन तीन चार चार दिन शादियाँ होती थी तो बारात को ना यहाँ पे ठहराया जाता था, ये सराय हमारी, तो यहाँ से बारात रुकती थी और उसके बाद चाय नाश्ता करके फिर जहाँ शादी होती थी वहाँ पे जाते थे। तो गाइस ये मेन रोड है, हम इधर से भी आ सकते हैं और इधर से भी आ सकते हैं, दोनों तरफ से आते हैं हमारे घर को रास्ते। अब नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।